हेलो फ्रेंड्स, जैसा बताया गया था, पांडव खोली जो मंदिर है कुकुचिना उत्तराखंड में, जिसकी चढ़ाई के बारे में लगभग बताया गया था 3.5 से 4 किलोमीटर के आसपास है। लेकिन मेरा ये मानना है ये चढ़ाई लगभग 5 और 6 साढ़े 6 किलोमीटर के आसपास का ट्रैक है। और इस ट्रैक में अब लगभग हम मंदिर के पास पहुँच चुके हैं, और सामने पांडव खोली मंदिर का जो ट्रैक हमने किया पांडव खोली मंदिर पहुँचने के लिए, उसका गेट भी दिख रहा है, वो स्थान भी आ गया है जिसे स्वर्ग का मंदिर भी कहा जाता है, पांडव खोली भी कहा जाता है, क्योंकि पांडव यहाँ अज्ञातवास में यही रुके थे। मैं साथ साथ चल रहा हूँ और गेट तक आप चलेंगे अभी, फिर मंदिर के अंदर का भी मैं आपको दर्शन कराऊंगा जरूर। अंदर आइए, मेरे साथ चलते रहिए। बेहद खतरनाक रास्ता है, बहुत ऊंचाइयाँ हैं, बहुत गहराइयाँ हैं नीचे दोनों तरफ, और बहुत संभल के चलना है। आते रहिए मेरे साथ। पांडव खोली मंदिर की तरफ हम लोग लगातार बढ़ रहे हैं। पुराणों में, मान्यताओं में ये बताया गया है कि पांडवों को जब अज्ञातवास मिला तो पांडवों ने अज्ञातवास में पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह अज्ञातवास में वो रहे, तो उनमें से एक जगह उत्तराखंड में कुकुचिना में ये भी है, जहाँ पे लिखा हुआ है स्वर्गपुरी और पांडव खोली का प्रवेश द्वार है, जहाँ नीचे से हम एंटर हुए थे उससे, और उसके बाद अब मेन मंदिर के टेम्पल का जो गेट है उसके अंदर हम एंटर हो रहे हैं। और जो है आगे चलते हुए आप देखते रहिए मेरे साथ। लगभग हम मंदिर में आ चुके हैं 6 साढ़े 6 किलोमीटर का ट्रैक करने के बाद। बहुत टफ ट्रैक है, रास्ते को देखते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अभी मुझे लगता है शायद 500 मीटर का एक ट्रैक अभी और बाकी है मंदिर तक पहुंचने के लिए। ये एंट्रेंस गेट है मेन मंदिर का। तभी वैसे भी उत्तराखंड में कहा जाता है कि देवताओं की धरती है, और यहाँ पर कई साधु संत कई हजार लाखों वर्षों से गुफाओं में तपस्याएँ कर रहे हैं, जिनके बारे में जान पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन छोटे छोटे ट्रैक के बारे में जब हम जानते हैं तो उसकी जानकारी हम आपको प्रोवाइड करते रहते हैं। रास्ते आप देख रहे हैं कितना लश ग्रीन एनवायरनमेंट है। अब तो यहाँ से कुकुचिना में उत्तराखंड में, जहाँ हम हैं, ये सबसे ऊंची पहाड़ी कुकुचिना की है। कुकुचिना एक गाँव का नाम है। आप बार बार सोच रहे होंगे कुकुचिना कह रहे हैं, तो कुकुचिना एक गाँव का नाम है, और कुकुचिना से ही यहाँ पर जो है पांडव खोली एक पर्वत है जहाँ हम जाते हैं। मेरा हिंदुस्तान के सभी नागरिकों से निवेदन है, जब भी उत्तराखंड में आए तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ बहुत से लोगों ने चिप्स के रैपर और टबैको के रैपर्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो प्रोहिबिटेड हैं सोसाइटी के अंदर, जिन पर बैन लगा हुआ है, उनका यूज़ करके यहाँ पर डाला हुआ है। तो ऐसा कुछ ना करें, गंदगी ना करें, बिल्कुल उत्तराखंड में साफ़ सुथरे तरीके से आएँ, उत्तराखंड को साफ़ सुथरा रखें, क्लीनिंगनेस बहुत ज़रूरी है। इसी समय हम फिर आगे बढ़ रहे हैं। एक और थर्ड एंट्रेंस डोर, नीचे एक फर्स्ट एंट्रेंस डोर था पांडव खोली का, जिसे स्वर्गपुरी लिखा हुआ था। मेरी सांसें बहुत तेज चल रही है, ऑक्सीजन लेवल भी यहाँ पे कम है, हम लोग काफ़ी ऊंचाई पे आ चुके हैं। सेकंड गेट मैंने आपको दिखाया स्वर्गपुरी का, और ये एक नेक्स्ट गेट है पांडव खोली स्वर्गपुरी का। लगभग हम लोग यहाँ पर आ गए हैं, और मैं प्रणाम करूँगा इस पांडव खोली को। अब हम लोग अंदर बढ़ रहे हैं पांडव खोली में, ग्राउंड बड़ा सा आप देख रहे हैं मेरे साथ। और पांडव खोली में हम आ चुके हैं, चारों तरफ का नज़ारा आप मेरे साथ देखिए, मैं जिधर मुड़ता जाऊँ चारों तरफ का नज़ारा देखिए, मैं घूमता जा रहा हूँ। आप एक कैमरे का व्यू, एरियल व्यू 360 का, आप चारों एंगल में देख सकते हैं। और यहाँ से कुछ दूरी पर जब मैं आगे चल रहा हूँ तो मंदिर आपको सामने दिख रहा है, मंदिर देखते रहिए कैमरे में, मेरे मंदिर दिख रहा होगा। बड़ा टफ रास्ता है, और फ्लैट लैंड पहाड़ों पे इतना डेंजरस रास्ता तय करने के बाद पांडव खोली के ट्रैक पे हम लगभग पहुंचने वाले हैं। और सामने आपको मंदिर भी दिख रहा है पांडव खोली, फिलहाल हम आ चुके हैं और चल रहे हैं अपने कैमरामैन के साथ। बड़ी अद्भुत जगह है, और मैजिक सा एकदम है यहाँ पे, और मुझे लगता है शायद यहाँ पे स्नोफॉल जब होता है विंटर के सीज़न में, जब स्नोफॉल का टाइम आता है तो माइनस में टेम्परेचर रहता है। एरिया जो उत्तराखंड में है ये पूरा स्नोफॉल से, स्नो से कवर्ड हो जाता है। और मैं शॉर्ट शॉर्ट वीडियोज में आपको कुकुचिना में पांडव खोली मंदिर के बारे में दिखाता रहा हूँ। मंदिर सामने देखिए आप मेरे साथ कैमरे में, अभी आगे चलते हैं, फिर अभी आपको दिखाते हैं